भाई मैं तो उल्टी कर दूंगा सच में मेरे। हाँ क्या हो? आज हम लोग इन सबको वैक्सीनेशन के लिए लेके जा रहे हैं। उधर एक उसको उठाया हुआ है, एक बच्चा उधर लेटा हुआ है। रोहन अभी गाड़ी लेके आ रहे हैं। हाँ लोग पानी पीते फिर रहे हैं। देखो ये कहाँ घुस गए। नहीं निकलो, अभी तुम्हें लेके जाना है। ओ भाई शाबाश। अब जो तुम्हें गोदी लेगा। ओए रुक जा। फ्रिज में बिठाएंगे तुम्हें, पानी में जाके बैठ गए। किड्डू से फिर घुस गया वो, मतलब हद ही है। आ बाहर कहीं नहीं जाना है। इसे पकड़ो, इसे पकड़ो, भाग्य भाग्य भाग्य। जो देख रही कहाँ ले जा रहे हैं बच्चे को। ब्राउनी तेरे बच्ची को लेके जा रहे हैं। अभी आ रहे हैं 10-15। सारे बच्चे गाड़ी में आ चुके हैं, कहाँ कहाँ घुसे हुए हैं। देखो आपस में लड़ रहे हैं। हाँ लेकिन इसको ट्रस्ट है कि उसको कहीं अच्छी जगह लेके जा रहे होंगे। इसको पता है कहीं ले जाते हैं। हाँ देखो रो रही है, बस वो पीछे ना आए। छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन इतना बिजी नहीं है इनको लोगों को कैरी करना। सब देख सकते हो, एक को ऊपर पकड़ के बैठे हुए हैं, एक को सीट के नीचे घुसाया हुआ है, एक को आगे रखा हुआ है। उसका रीजन है कि आपस में लड़ लेते हैं दोनों। तो सारे एक एरिया के नहीं है, अलग अलग मोहल्ले के बच्चे हैं, अलग अलग मतलब एक दूसरे टावर में रहते हैं, बाकी दूसरे टावर में रहते हैं। तो क्या है कि मतलब ये एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लड़ रहे हैं। इसके साथ में इन लोगों के लिए वैक्सीनेशन से जितना करना है प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती है। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत इजी होता है सबको। एनिमल लवर बनना कोई आसान नहीं है सबके लिए। तो अभी हॉस्पिटल बस पहुँचने वाले हैं, नेक्स्ट स्टॉप हॉस्पिटल ही है। और देखते हैं क्या होता है। कल तो टेस्ट वगैरह भी होंगे इन बच्चों के। ये आपस में इतना लड़ती हैं। हाँ जी राइड खत्म, आ जाओ। ओला ड्राइवर निकालो इन्हें। गुस्से वाली ये भी है। हाँ ये भी घुसा लिया लेकिन फिलहाल डर रही है। अच्छा 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 ठीक है। भी गुस्से वाली है। ये हेल्दी बच्चे हैं। ये बड़े भी हैं रोहन, ये बड़े भी हैं थोड़े, एक दो ही ना। और एक्चुअली में ये हेल्दी हैं। एक ने वॉमिट कर दिया है। कोई नहीं वॉमिट साफ कर लेंगे। मैं कैमरा मैन हूँ। मैं लेके जा रही हूँ। नहीं नहीं रुक जा। अभी नीचे उतार, नीचे नीचे उतार। चलने लग जाए ना। नहीं नहीं एक को नीचे रख दे। एक बार नीचे रखे फिर भागने लग जाएंगे। ये एकदम अंदर फंसा हुआ। अंदर रुका हुआ ना। तू निकल ना। ओए अच्छा ये बहुत गुंडी है यार। वो उसको सामने वो डॉग दिख गया ना। कोई नहीं डरो मत। क्या 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 बदतमीजी। ले आए हम सारा माल असला उठा के।
असला आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये पांच के इसने उल्टी की है। हाँ इसने उल्टी की है बहुत ज्यादा। मेरे पूरे हाथ पैर सब सांध लिए इसने। साढ़े चार नहाना तो पड़े गए ना। देख अंदर जाके ना दोनों सहम के बैठ गई हैं। ये चार चार वो तो कट हैंग ही नहीं देखो। हाँ वो दोस्त वो दूसरे मोहल्ले की है ना। चाह के शॉपिंग करनी है कर लो शॉपिंग जो तो चाहिए सब मिल जाएगा। यहाँ पे आते ही ऐसे सहम के बैठ गए दोनों। ये दोनों ही शैतान हैं। ये बहुत गुंडी हैं दोनों बहुत गुंडी हैं। अभी लग जाएगी तुम्हें वैक्सीन और 2 महीने बाद ऑपरेशन। कुछ भी समझ लो अरे कौन सा वाला ये थी ये बहुत वो करती है कुछ नहीं करेगी कुछ नहीं। ए नहीं गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं। पारवो का टेस्ट ओ पूरा क्या हुआ? पारवो है पूरा ब्लड की पोटी है। पारवो टेस्ट है ना तो जिसे पारवो से प्योर नहीं है प्योर जरूरी नहीं है। हाँ और वो भी सीवियर है। हाँ देखो लग उसको रहा रो ये रहा है चप्पा तू भी रहेगा। चल 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 हो गया अरे क्या हो रहा है साले सर। एक तो तेरे लिए कर रहे हैं सर हमें भी लगा दो कि कैंटी रे भी यार उसके लिए लाइफ में फर्स्ट टाइम है ना तो उसे पता भी नहीं है ना। भाई मैं तो उल्टी कर दूंगा सच में मेरे को। क्लीन कर देंगे उसको कारपेट निकाल के साफ करा देंगे। अभी सुबह से पानी भी नहीं मिला जब से बस मुंह धो के आए ना हम लोग। उसके पास था ना दीदी के पास बॉडी इसको तो सुबह से ही आई है तभी से इसको भूख लग रही थी। भूख लग रही थी तो खाना नहीं मिला मुझे पानी लग रही थी। शिवानी भूख की भी सकी है फिर मेरी शक्ल देख के कोई पैसे दे देगा मैं इतनी बेकार हूं। एटलीस्ट डोनेशन तो आएगा डोनेशन दे दो यार अगर आपको ये लड़की बहुत ही दिखा रही है जैसी लग रही है तो प्लीज पैसे डोनेट करो ताकि ये उनका इलाज करा सके। और मैं इससे बड़ी दिखाने लग रही हूं खाना कोई बात नहीं है लेकिन इन चारों बच्चों को पारवो है सीवियर तो इन्हें अलग लेके जा रहे हैं और बाकी दोनों बच्चों को शिवानी पहले ऑलरेडी लेके जा चुकी है फोटो में ना उन्हें ऑटो में भेज दिया। बैठो चल थैंक यू नीतीश भैया। नीतीश भैया देखो वोमिट उन्हें आते हुए इसमें यहाँ पे ये वोमिट किए देखो पूरा कारपेट ही धो देंगे। लेके बच्चों को इसलिए आए थे कि उन्हें वैक्सीनेशन लगा दें क्योंकि लवी को अगर डिसम्बर हो गया है तो डिसम्बर के बाद में बाकी बच्चों को ना फैले। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ और ही हो गई है तो मतलब हम लोगों को ये तो ये था कि बस लवी चलो बीमार है बाकी सब हेल्दी थे। यहाँ पर आने के बाद में पता चला है कि सौरव को पारवो हो रखा है मतलब सोसाइटी में इतनी गंदी तरीके से पारवो फैला हुआ है हमें नहीं पता था इस बात का। और पता भी कैसे चलता सब हेल्दी थे सारे कुछ थे सडन उन लोगों ने वोमिट करना स्टार्ट कर दिया और सडन उन्होंने मतलब ब्लड निकालना स्टार्ट कर दिया पोटी से। अब सिचुएशन ये हो गई है कि इन बच्चों को बचाया जाए तो कैसे। अब बचाने के लिए उन्हें दो दो टाइम पे ड्रिप लगानी
क्योंकि ड्रिप के थ्रू ही उन्हें बचा सकते हैं, खाना पीना उनका थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। और जो बाकी दो बच्चे थे जिन्हें पारवो नहीं है, उन्हें वैक्सीनेशन करा के शिवानी अलग से ऑटो में लेके गई है, क्योंकि एक साथ उसके टच में नहीं लेके आने इन बच्चों को। हिमशो को और शिवानी को और शालिनी को हैट्स ऑफ कि ये लोग इतना कर रहे हैं। और अब देखते ही हो कि कितनी मेहनत चल रही है, कितना मतलब इन लोगों के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि कोई अपने घर वाले बच्चों के लेके भी इतना नहीं कर पाता है। कई बार क्या होता है कि मतलब जब हमारे घर वाले जो पेट्स होते हैं हम उन्हें भी इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन इन बच्चों के साथ तो क्या हुआ है कि डेली फीड करते हैं, लगा सोचते हैं, समझ में आता है इतने टाइम से हम लोग फीड कर रहे हैं, और एक्सपीरियंस भी हो गया तो पता चल जाता है कि पार्वो या कैनाइन या फिर फीवर है या नहीं। तो उस चीज़ को देखते हुए थोड़ी भी देर नहीं हुई, बस आप सब प्रे करो कि ये सब बच्चे बच जाए, बाकी फिजिकल जो मेहनत है वो ये लोग कर ही रहे हैं, और इसके बाद फिर वैक्सीनेशन लगवा देंगे। बस आप सब प्रे करो कि मतलब ये बच्चे बच जाए। अब भगवान से ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है, हम सब अपने एफर्ट्स कर सकते हैं। बाकी अपडेट्स आपको देते रहेंगे। थैंक यू सो मच हमारे यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे बने रहने के लिए। हम सब कोशिश करेंगे आप सबकी जो हम लोगों से एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर खरा उतरे। सो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़ दोस्तों, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय। हेलो शालिनी, बाय बाय। शालिनी को डोनेशन चाहिए।